करनाल के बलहेड़ा गांव के माशूक अली मर्डर मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश इकराम उर्फ मच्छर की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई है। गत दिवस करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा की टीम आरोपी इकराम उर्फ मच्छर को सूचना के आधार पर पकड़ने गई थी। सोनीपत के भैंसवाल के पास आरोपी को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी इकराम ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई, इससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि आरोपी इकराम माशूक अली मर्डर मामले में मुख्य आरोपी था और उस पर पहले भी लूट का मामला दर्ज था। माशूक अली मर्डर मामले में पुलिस ने एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया हुआ था। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया था कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर माशूक अली, जिसकी उम्र 55 साल की थी, की हत्या की थी। दूसरा आरोपी इकराम पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। एक सप्ताह पहले भी पीड़ितों की तरफ से विरोध जताया गया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदमाश था इकरम अलियास मच्छर, जिसके खिलाफ 2020 के मुकदमा दर्ज किया था। इसमें एक आरोपी जो संजीत था, वो पहले इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कल हमारी जो CIA 2 की टीम थी, वो भैंसवाल एरिया क्षेत्र के अंदर, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि ये वहाँ हो सकता है, तो वहाँ पर इस आरोपी द्वारा उन पर फायरिंग की गई थी। तो जवाब में पुलिस द्वारा अपने बचाव में जो फायरिंग की गई है, उसमें आरोपी जो है, इसका इनकाउंटर वहाँ हो गया है। किस चीज़ का आरोप था सर इस पर? ये एक 302 का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था 2020 के अंदर, 617 नंबर मुकदमा था। इसने माशूक अली नाम का, जो कि बलहेड़ा गांव का इंडिविजुअल था, उसका इसने मर्डर किया था। तो उसके अंदर एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा इसका ये कल CIA 2 की टीम द्वारा इनकाउंटर। तो पहले भी 307 और डकैती का मामला दर्ज है जी। पहले भी आरोपी के खिलाफ एक 307 का 2015 में मुकदमा दर्ज था, जिसके अंदर माननीय अदालत द्वारा भी इसको 10 साल की सजा दी गई थी, परंतु ये हाईकोर्ट के अंदर उसमें गया था। जो मुकदमा बलहेड़ा गाँव का जो मुकदमा था, इसमें दो ही आरोपी थे। एक को पहले हमने करनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी ये जो दूसरा बचा हुआ था, इसको कल भैंसवाल के पास इसका इनकाउंटर हो गया, और जो आगे की कार्रवाई है सोनीपत पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी है, इसने भी फायरिंग की, अवैध हथियार। हाँ बिल्कुल, इसको पुलिस ने जब इसको रोकने की कोशिश की, तो इसने अपने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, और पुलिस ने अपने बचाव में जब फायरिंग की, तो उसके अंदर ये इसका हत्या, सॉरी अपना मर्डर, ये इनकाउंटर हो गया था इसका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.